हेलो दोस्तों, रोजगार में आपका स्वागत है। मैं हूं रिजवान। सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारी जानकारियां आप तक सच्ची भी पहुंचती हैं और बहुत सारी ऐसी फेक न्यूज़ भी आती हैं जिनको आप शेयर करने लगते हैं। अनजाने में ये चीज़ें शेयर होती हैं और जाते जाते ऐसे कुछ एजुकेटेड और क्वालिफाइड लोगों तक पहुंच जाती हैं कि उस पर यकीन करके बहुत सारे लोगों को ये शेयर कर दी जाती हैं। और कुछ ऐसी वेबसाइट के माध्यम से जब ये न्यूज़ शेयर होती हैं जिन पर मजबूरी हो जाती है आपको यकीन करना, तो फिर आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं बचता है। अभी एक न्यूज़ आई है, सोशल मीडिया के माध्यम से ही बहुत सारे लोगों ने ये शेयर करना चालू कर दिया, क्योंकि वो गल्फ़ न्यूज़ में ये गई है कि आखिरकार दुबई ने अभी इंडिया से फ्लाइट सस्पेंड कर रखी है और यह 31 दिसंबर के बाद तक सस्पेंड रहेगी। क्या सच्चाई है इसमें और कितनी सच्चाई है आखिरकार, रियलिटी क्या, हम इसके बारे में बात करेंगे। और दूसरी बात यह है कि यूएई ने 5 अगस्त 2021 से बहुत बड़ी गुड न्यूज दी है कि वो फ्लाइट को ओपन कर रहा है इंडिया के लिए, पाकिस्तान के लिए, नेपाल के लिए, श्रीलंका के लिए, भूटान के लिए, नाइजीरिया के लिए। ये 6 कंट्रीज़ हैं जहां से लोग यूएई जा सकते हैं। लेकिन वो कौन कौन से लोग हैं, कैसे जा सकते हैं, क्या कंडीशंस होंगी, क्या गाइडलाइंस होंगी, वो सारी बातें हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बगल में नोटिफिकेशन बेल है उस पर भी क्लिक कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, इससे मोटिवेशन बढ़ता है और भी वीडियो बनाता रहूँगा। तो चलिए आज की वीडियो में हम सबसे पहले तो तहकीकात करते हैं, हम सबसे पहले सर्च करते हैं कि आखिरकार जो सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक न्यूज़ पहुंच रही है, जो एक बहुत बड़ी वेबसाइट है गल्फ न्यूज़ के माध्यम से जब आपके पास खबर पहुंच रही है, उस पर यकीन करना ही पड़ेगा कि यूएई ने बैन एक्सटेंड कर दिया है। यूएई ने जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स थी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से, ये एक्सटेंड करके 31 दिसंबर 2021 के बाद तक बढ़ाने का ऐलान कर दिया। मतलब कहने का कि ये बढ़ सकती हैं। वो क्या न्यूज़ है, एक्चुअल में क्या रियलिटी है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, उसमें पॉइंट आउट है, हाईलाइट्स हैं सम पॉइंट्स, उससे भी आप समझ सकते हैं कि कितनी फेक न्यूज़ हो सकती है ये। इसमें लिखा हुआ है, सस्पेंशन ऑफ फ्लाइट्स फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका टू यूएई में गो बियॉन्ड दिसंबर 31st। इसका मतलब ये है कि दिसंबर 31st के बाद भी इन कंट्रीज से फ्लाइट्स को बढ़ाया जा सकता है, बैन को बढ़ाया जा सकता है। मतलब कहने का कि ये फ्लाइट तब भी सस्पेंड रहेंगी 31 दिसंबर के बाद तक। अभी ये किसी ने एडिट करके दे दिया है, एडिट करने में किसी ने भी जो दिया हो, अब ये जानकारी आपके पास होनी चाहिए कि आखिरकार जो एडिटिंग होती है उसमें कहाँ कहाँ पे पॉइंट्स होते हैं, जो समझने की चीज़ है। आप देख सकते हैं हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं कुछ, उसमें सबसे ऊपर तो आप डेट देख सकते हैं कि डेट, पहली बात तो जो गल्फ न्यूज़ की होती है उसमें सबसे नीचे डेट होती है, जो हाईलाइटेड पॉइंट्स होते हैं उसके नीचे डेट दी होती है, उसमें सबसे ऊपर डेट दी है। अब फिर डेट का फॉर्मेट देख सकते हैं, फॉर्मेट डेट एंड टाइम का फॉर्मेट सब देख सकते हैं, साफ साफ पता चलेगा किसी ने एडिट किया हुआ है। और दूसरी चीज़, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एडिट करके कॉपी करके पेस्ट की गई हैं, उससे पूरा चेंजेस कर दिया गया फॉर्मेट। अब एक्चुअल में गल्फ न्यूज़ ने निकाली क्या थी न्यूज़, वो भी आप देख सकते हैं। सस्पेंशन ऑफ फ्लाइट्स फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका टू यूएई में गो बियॉन्ड 7 अगस्त। मतलब कहने का कि 7 अगस्त के बाद तक सस्पेंशन जो है वो बढ़ाया जा सकता है 7 अगस्त के बाद, क्योंकि 7 अगस्त से ये ऐलान हो चुका था कि 7 अगस्त से फ्लाइट खुलेंगी। लेकिन गल्फ न्यूज़ में ये न्यूज़ आई थी कि 7 अगस्त के बाद भी फ्लाइट बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि जो गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट है, वहाँ से जब तक परमिशन नहीं मिलेगी तब तक कोई भी, चाहे वो एहतियात हो चाहे मिराट्स हो, ये परमिशन नहीं दे सकती आपको कि फ़्लाइट ओपन हो गई हैं। इस वजह से गल्फ न्यूज़ ने निकाली थी। लेकिन यहाँ पर लोगों ने 31 दिसंबर तक का ऐलान कर दिया, लोगों ने शेयर करना चालू कर दिया उसके बाद भी फ्लाइट नहीं खुलेंगी, ये सोचने वाली बात है कि आपको खुद दिमाग लगाना चाहिए। क्योंकि दुबई ने अभी एक्सपो होने वाला, दुबई में अभी 1 अक्टूबर 2021 से जब एक्सपो स्टार्ट होगा, 31 मार्च 2022 तक चलेगा एक्सपो, तो जाहिर सी बात है 191 कंट्रीज को इनवाइट किया है दुबई ने, 191 कंट्रीज से लाखों लोग जाएंगे दुबई, वहां पे इनविटेशन भी गया है, लोगों को नौकरी भी दी जाएगी, लोगों को इनविटेशन भी दी जाएगी, एम्प्लॉयमेंट भी दिया जाएगा, तो आखिरकार वो फ्लाइट बैन क्यों करेंगे, सोचने वाली बात है ये भी। तो इसलिए गल्फ न्यूज़ ने खुद भी ये क्लैरिफाई कर दिया है कि जो न्यूज़ आपके पास तक पहुंच रही है, जो फ्लोट हो रही है, उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। ये 7 तारीख तक का जो ऐलान था कि 7 तारीख के बाद बढ़ाया जा सकता है, 31 दिसंबर तक कर दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि ये एकदम फेक न्यूज़ है, इस पर यकीन नहीं करना है। वीडियो को शेयर करते रहिए जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ताकि ये फेक न्यूज़ पर यकीन करने वालों को असलियत पता चल जाए। दूसरी गुड न्यूज़ ये है कि यूएई ने ऐलान कर दिया है कि इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका,
युगांडा और नाइजीरिया, इन कंट्रीज से लोगों को जाने की परमिशन मिल जाएगी 5 अगस्त 2021 से। अब वो कौन कौन लोग हैं, सबसे पहले ये भी जानना जरूरी है, मतलब जिनके पास एम्प्लॉयमेंट वीजा है और आईडी कार्ड है इमिरात्स का, वो यहाँ से जा सकता है, लेकिन उसके पहले उसको अप्रूवल लेना होगा। ये भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आईसीए में अगर आपका अप्रूवल नहीं मिलता है तो आप वहाँ पे नहीं जा पाएंगे। आईसीए में अप्रूवल मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी, तो वो भी आपको लेना होगा। और उसके बाद में ये है कि 72 घंटे का जो वैलिड सर्टिफिकेट है वो भी PCR का, वो सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। वैक्सीन तो आप लगवा के ही रखें, आपको जाना है या नहीं जाना है, किसी भी बाहर का प्लान कहीं भी किसी भी कंट्री का कर रहे हैं तो आप दोनों डोज वैक्सीन की लगा के रखें। कभी भी इमरजेंसी पड़ सकती है, कभी भी आपको यहाँ से फ्लाइट हो सकती है, तो बिना डोज के बिना वैक्सीन के आपको हो सकता है जाने का मौका ना मिले। और अगर आपको जाने का मौका मिलेगा अभी, तो आपको वहाँ पे जाके 7 दिन या 10 दिन या 14 दिन वहाँ पे हो सकता है क्वारंटाइन होना पड़े, उसका खर्चा आपको खुद अफोर्ड करना पड़ेगा, कंपनी अफोर्ड नहीं करेगी। इसलिए अगर वैक्सीन की डोज लगा के जाते हैं तो वहाँ पे जाके UAE में या सऊदी में किसी भी कंट्री में हो सकता है आपको क्वारंटाइन ना होना पड़े। हालांकि सऊदी ने ऐलान जो किया है उस पर अगर आप वहीं के रेजिडेंट हैं, मतलब आपके रिटर्नर हैं और आप एग्जिट वीज़ा पे आए थे और फिर वापस जा रहे हैं, तो वहाँ पे दोनों डोज अगर कंप्लीट कर ली है तो वहाँ पे आपको क्वारंटाइन होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दुबई ने अभी ऐसा कोई ऐलान नहीं किया है, दुबई ने कहा है कि अगर आप दोनों डोज लगा के आते हैं तो हमारे पास में वेलकम है आपका। लेकिन वो कौन कौन से लोग आ सकते हैं ये भी जानना ज़रूरी है। पहले भी UAE ने वीज़ा ओपन किया हुआ था, लेकिन वो किसके लिए था, जैसे डिप्लोमेट मिशन हो गया, गोल्डन वीज़ा वाले हो गए वहाँ के, और जो ब्लड जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हैं उनके लिए। लेकिन इस बार क्या किया है कि जिनके पास रेजिडेंट कार्ड है, मतलब जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे आए थे और यहाँ फंस गए थे, उन लोगों को जाने की परमिशन है। और उसके साथ साथ और भी लोग हैं, जैसे हेल्थ केयर वर्कर हो गए, जो स्कूल के टीचर्स हैं, जो वहाँ के सोशल वर्कर हैं, मतलब कहने का कि डिप्लोमेट मिशन के साथ साथ जो फेडरल गवर्नमेंट हैं और जो लोकल गवर्नमेंट हैं, जो गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं, उनको भी जाने की परमिशन है। और ये जो ऐलान हुआ है, ये ऐलान हुआ है नेशनल इमरजेंसी क्राइसिस मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से, इसलिए यहाँ पे केवल लिमिटेड लोग ही जाएंगे। अभी नॉर्मल लोगों के लिए फ्लाइटों पे नहीं हुई है कि जिससे ये हो जाए कि कोई भी टूरिस्ट वीज़ा ले ले और चला जाए 1 महीने का या 3 महीने का, कोई भी जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा नया इशू हो रहा है उसको परमिशन हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी जो लिमिटेड लोग हैं यही लोग जाएंगे, लेकिन लोगों के लिए ये है कि आपको 2 डोज कंप्लीट करके जाना है यहीं पे, और दोनों डोज जो हैं वो UAE के जो अप्रूव्ड वैक्सीन हैं उन्हीं को लेके जाना है। उसमें एक सिनोफार्म भी है, मैं आपको बता, सिनोफार्म मैंने पहले बताया था, और यहाँ से जो है कोविशील्ड एस्ट्राजेनेका की, ये भी अप्रूव्ड है। और वहाँ जाने के पहले 72 आवर्स के आपको PCR सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपको एक चीज़ और बता दूँ कि जो डोज लगा के जाएंगे आप, मतलब आपका सर्टिफिकेट तो होना चाहिए डोज का जो आपने वैक्सीन लगाई है, लेकिन आपका 14 दिन का गैप भी होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि आज आपने लगाया और कल आप UAE पहुंच गए, अगर आपने डोज लगाई है तो उसके बाद 14 दिन तक आपकी फ़्लाइट नहीं होगी, उसके बाद आप UAE जा सकते हैं। तो ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस UAE ने निकाली हैं, उन लोगों के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि जो टूरिस्ट वीज़ा पे या एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे जाने का प्लान कर रहे हैं या जाने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, तो बहुत ही जल्दी गुड न्यूज़ आने वाली है आप तक, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोस पहले भी बनाए हैं और ये भी बताया था आपको कि UAE वेट नहीं कर सकता है कि सऊदी की तरह फ्लाइट वो बैन करके रखे, क्योंकि UAE में जो टूरिस्ट आते हैं उनकी वजह से उनका बहुत बड़ा बिजनेस चलता है। और दुबई एक्सपो तो एक ऐसा इवेंट है कि जिसमें आपको एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जाने का मौका मिल रहा है, तो इसलिए आप बिल्कुल परेशान ना हो, फ्लाइट्स ओपन होंगी और इसी महीने कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आने वाली है। और गुड न्यूज़ जो आएगी वो उन लोगों के लिए आएगी जो नॉर्मल तरीके से फ्लाइट जाना चाह रहे हैं, बस आप वैक्सीन लगा के रखें। अगर आपने दोनों डोज वैक्सीन कंप्लीट कर ली है तो ये जान लीजिए कि आपका जो इन्विटेशन लेटर आने वाला है बहुत जल्दी, उसकी वजह से आप दुबई पहुंचेंगे। और उसके बाद सऊदी में जो फ्लाइट्स ओपन हो रही हैं, सऊदी में बहुत ज़्यादा टफ हो रहा है फ़्लाइट्स का ओपन होना, इसलिए वाया लोग जा रहे हैं सऊदी में। अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि फ़्लाइट कब से ओपन होंगी। तो आई होप कि इस वीडियो में जो जानकारी दी गई है उसमें से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो क्लियर नहीं हुई है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप उसमें पूछ सकते हैं, हम आपको वहाँ पर जानकारी दे देंगे, या तो आप कमेंट कर सकते हैं, दूसरे वीडियो में भी हम आपको बना के पूरी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। तो चलिए मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें अपना, टेक केयर, जय हिंद।